इंद्री के गांव धूमसी में तेंदुआ आने की खबर से दहशत फैल गई है। गांव के लोग तेंदुआ के हमले से डरे और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा गांव में तेंदुआ आने की सूचना के बाद वन विभाग और वन्य जीव प्राणी वाहिनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुआ को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने आसपास के खेतों में तेंदुआ छुपे होने की खोजबीन की। खेतों में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है और उसमें बकरे को छोड़ दिया गया है। अधिकारियों ने आसपास के ग्रामीणों से खेतों में ना जाने और अपने पशुओं और बच्चों की सुरक्षा की सलाह दी है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को अधिकारियों ने सुरक्षा के उपाय करने की हिदायतें दी हैं। वन रेंज अधिकारी कर्णपाल सिंह ने बताया कि गांव के लोगों की सूचना मिली थी कि गांव धूमसी में खेतों में तेंदुआ आया हुआ है। सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और पिंजरा लगाकर तेंदुओं को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वन्यजीव प्राणी अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि गांव में तेंदुआ आने की सूचना के बाद पिंजरा लगा दिया गया है और तेंदुओं को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि तेंदुआ शाम के बाद ही बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर निकलेगा तो उसके लिए पिंजरे में एक बकरे को रखा गया है। जैसे ही वह बकरे पर हमला करेगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अपनी जान और माल की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी है। लेडीज जो औरतें थी जब घास काटने ने गई, उन्हें देखे भी कुछ ऐसी जो तेंदुआ वगैरह ऐसा कुछ चीज दिखाई उन्हें दी, उसको देख कर बेहोश हो गई। उन्हें गांव में जाकर बताया तो गांव के धूमसी के सरपंच ने उस पर बी डी ओ साहब पर फोन करा। बी डी ओ साहब ने फिर इनके वाइल्ड लाइफ वाले पर फोन करा भी ऐसे ऐसे करका गाँव धूमसी में और बड़ौंदी की सीमा पर इक्खों में भी तेंदुए प्रकार की कोई चीज झुकिया जिसने लेडीज औरतों ने देखा। हमें तो जी बस डर का भाव है जी। हाँ, लोग खेतों में जंदे रात ने जी, जो इक्ख में घास काटने वाले एक में घास नहीं काटने जंदे। हाँ जी, लोगों में तो डर का भाव है पूरा। अधिकारी पहुंच गया जी मौके पर सारे, उन्हें पिंजरा वगैरह लगा रखा जिसको पकड़ने के लिए। जी मेरे पास ना गांव के जिसका खेत था उसने सूचना दी थी। उसके बाद मेरे जो इंद्री मारो साहब बैठे थे उनकी तरफ से फोन आया कि गांव धूमसी के खेतों में तेंदुआ दिखाई दिया गया। तुरंत बाद में अपनी टीम को लेकर यहां पहुंचा, खेतों में सर्वे किया। उसके बाद यहां पे मैंने पिंजरा लगा दिया जिसमें शाम को बकरी बांध दी जाएगी। बकरी हमारे साथ में है इस टाइम, शाम को 7 बजे से और सुबह के 7 बजे तक हम इसके अंदर बकरी रखेंगे। अगर जानवर इसमें फंस जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन जितना भी होगा हम पिंजरा लगाएंगे। संभावना के 2-4 दिन के अंदर अंदर वो फंस जाएगा। एहतियात के तौर पर जो ग्रामीण हैं उनके बचाव के लिए क्या क्या सूचना दी गई है? बचाव के लिए उनको बोला गया कि अपने घरों में रहें, बाहर खेतों में शाम के बाद कोई भी किसान अपने खेत में नहीं आएगा, लगभग इस एरिया में जहाँ पे तेंदुए की सूचना मिली है। ये पकड़ा जाता है तो हम इसको अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, इसको कहाँ पे रिलीज किया जाएगा, कलेसर के जंगल में रिलीज करना है या जहाँ भी उच्च अधिकारी मेरे आदेश देंगे वहाँ हम इसको लेके जाएंगे। काम कर रही थी, उसने कोई दिन में जंगली जानवर देखा, बताया कि कोई पैंथर टाइप का जानवर आया है तो उसके लिए पिंजरा लगाया गया। अच्छा, वाच रखेंगे इसको, अभी नहीं मिलेगा। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं, कोई निशान ऐसा भी संज्ञान में नहीं है। बिल्कुल ड्यूटी देंगे, चार दिवाली रात को ड्यूटी देंगे। आज न्यूज़ के लिए इंद्री से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।